गुरु वो जो गढ़ दे। गुरु का मतलब ही होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। आप हमारे बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। गुरु कहते हैं वो कुम्हार है जो माटी के लौंदे से चाहे जैसी मूर्ति बना दे। बच्चे तो माटी के लौंदे होते हैं, जैसा हम गढ़ना चाहेंगे वैसा उनको गढ़ देंगे। एक बात मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, भाई मेरे और गुरुओं के बीच में कोई बीच में मत आओ, नहीं तो मैं डिस्टर्ब होता हूं। एक तरफ से करो करना हो, मैं हृदय से आपसे कह रहा हूं, अंतरात्मा से आपसे कह रहा हूं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, क्योंकि आप वो हैं जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बनाने वाले हैं। देखो ये साधारण नौकरी नहीं है। अन्य नौकरियों में आप किसी को बनाते नहीं, आप अपना काम करते हैं। आप इंजीनियर हो तो आप पुल पुलिया बनाओगे, इंसान नहीं कर सकते आप। ऑफिस में वर्क कर रहे हैं बैठ के तो आप फाइल बनाओगे, लेकिन आप इंसान बनाने वाले हैं, ये ध्यान रखना। अंतरात्मा से सोचना। ये शिक्षा का अर्थ क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, और मुक्ति का मतलब इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक का मतलब है कि यहां रहने के लायक बना दे, ज्ञान कौशल और नागरिकता के संस्कार दे दे, और कौशल ऐसा कि जिससे कम से कम रोटी और रोजगार भी आजीव का भी वो चला ले, और फिर ऐसा भी हमें बना दे कि परलोक में भी मुक्ति मिले। उसको कहा आदि गुरु ने कि वो शिक्षा है। मेरी प्रेरणा स्वामी विवेकानंद रहे हैं आज भी। वो कहते थे शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, मनुष्य को मनुष्य। और मनुष्य का मतलब है चरित्रवान, ईमानदार, शालीन, कर्मठ, देशभक्त। केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचने वाला, जो परोपकारी हो, जो दुनिया को बेहतर बनाए, वही तो मनुष्य है। तो मनुष्य को मनुष्य बना दे। अब ये कहने में बहुत आसान लगता है, मनुष्य को मनुष्य बना दो, लेकिन करने में आसान नहीं है। और आज के जमाने में और भी कठिन हो गया है। कठिन इसलिए हो गया है कि विज्ञान ने जहां हमको अनेकों साधन ऐसे दिए जिनसे हम ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, दुनिया की जानकारियां ले सकते हैं। ये छोटा सा मोबाइल, स्मार्टफोन, ये बड़ा करामाती है। ये संपूर्ण दुनिया का ज्ञान भी हमको परोसता है, लेकिन अगर गलत दिशा में जाना चाहे तो ये ऐसी सामग्री भी परोस देता है कि जिंदगी तबाह और बर्बाद भी हो जाती है। तो आज गुरु का काम और कठिन है, माता पिता का भी कठिन है, गुरु का भी कठिन है। और इसलिए आज काम थोड़ा कठिन है इंसान को इंसान बनाने का, लेकिन करना तो पड़ेगा। यदि पहला भाव आप मन में ये लाओ कि मैं मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हूं, ये अहंकार के लिए नहीं कह रहा, ये जिम्मेदारी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं आने वाला मध्य प्रदेश और आने वाला भारत बनाऊंगा या बनाऊंगी।
आपके ऊपर निर्भर है जी, आपके ऊपर निर्भर है ये। आप चाहो तो आए चले गए, लापरवाही से पढ़ाया, कोई पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, मेरा क्या जाता है, मुझे तो 11 से लेकर 5 तक ड्यूटी बजानी है बस। एक भाव ये हो सकता है, और एक भाव ये हो सकता है कि मैं जी जान लगा दूंगा मेरे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए, उनको ज्ञान का प्रकाश भी दूंगा या दूंगी, और उनको और बेहतर मनुष्य कैसे बने इसके संस्कार भी दूंगी। एक आपका काम है ज्ञान देना, पीढ़ियों से संचित ज्ञान, इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, वो ट्रांसफर कर देना, बच्चों को पढ़ाते हैं जो संचित ज्ञान है वो। और दूसरा आपका काम है, प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, वो हमें, मैंने आग्रह किया था, वो हमें अभी संबोधित करेंगे। दूसरी चीज है कौशल देना, पढ़ने लिखने के बाद कम से कम इतनी कुशलता जाए कि रोजगार, रोजी रोटी कमा ले। और तीसरा है नागरिकता के संस्कार देना। तो ये आपको करना है, और ये आप तब कर पाएंगे जब आप वैसा सोचेंगे। अपन ने अगर वैसा नहीं सोचा तो हम नहीं कर सकते कुछ भी। गांधी जी के पास एक मां गई अपने बेटे को लेके, और कहा कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, मेरी बात मान नहीं रहा, आप इसको क्या, तो शायद आपकी बात मान जाए। तो बापू ने कहा कि आज नहीं कल लाना। मां कल लेके बच्चे को गई, तो बच्चे ने फिर कहा कि कल नहीं, गांधी जी ने फिर कहा कि आप अब कल लाना। ऐसे 5-6 दिन हो गए, 5वें 6वें दिन जब वो मां गई अपने बेटे को लेके, तो बापू ने बेटे को प्यार से कहा कि बेटा ज्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाया करो। तो मां ने कहा बापू इतनी साधारण बात थी, आप पहले दिन क्यों नहीं कही आपने। तो बापू बोले कि बेटी मैं पहले खुद ही गुड़ खाता था, अब मैं खा रहा हूं और इससे कहूं तू मत खा, तो मैंने पहले गुड़ खाना छोड़ा, और जब मैंने गुड़ खाना छोड़ा तब मैंने इससे कहा कि तू गुड़ मत खाना, क्योंकि मैं खाऊंगा और दूसरे से कहूंगा कि तू मत खा तो कोई मेरी मानेगा क्या, असर ही नहीं होगा। मेरा भाव आप समझ गए होंगे, हम करें और बच्चे से कहो मत करो तो बच्चा मानेगा क्या हमारी बात। पहले हमको वैसा बन के खुद दिखाना पड़ेगा, अपने अपनी दृढ़ता चाहिए, अपना आचरण, अपना व्यवहार, तो प्रभावित होंगे। देखो मुझे पढ़ाते थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हमेशा, मैं कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, जैत के मेरे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। और हम जब स्कूल जाते थे तो अपना बिछाने का फट्टा संग ले जाते थे, झोला संग ले जाते थे, क्योंकि बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं होती थी उस जमाने में, तो बिछा के बैठते थे। लेकिन जाते थे तो गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे, प्रणाम गुरु जी, श्री रचन चंद जी जैन। मैं आज जो कुछ हूं अगर उसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है तो वह है श्री रचन चंद जैन, मेरे गुरु जी, जिन्हें मुझे पहली दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ाया। मैं अगर बोलना भी सीखा तो हमारे यहां वो कोई शिक्षा विभाग ने तय नहीं किया था, लेकिन हर शनिवार के दिन बाल सभा होती थी, तो गुरुजी हमसे कहते थे कि उस दिन रामायण की 5 दोहे तक चौपाइयां और दोहे पढ़ना और उनका अर्थ करना है, रामचरितमानस। और उसमें बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बना रखा था, उस समय घी के दीपक जलाते थे, थोड़ा प्रसाद बांटना पड़ता था, तो एक बच्चे से कहते थे कौन फूल चढ़ाएगा, जो फूल चढ़ाता था वो अगले शनिवार को अपने घर से दीप घी की बाती लाता था और थोड़ा सा प्रसाद लाता था, तो ऐसे हर शनिवार को होता था। और फिर वो कहते थे कि चौपाई पढ़ो और अर्थ करो, तो मैं जरा धीरे धीरे चौपाई पढ़ता था, पीछे बैठा रहता था, उनका आ गया
जैसे धीरे धीरे पढ़ते हो। मैं आगे बांट के बैठने लगे, बोलो धीरे धीरे मत पढ़ो, जोर से पढ़ो। तो मैं जोर से पढ़ने लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब ये पढ़ेंगे शिवराज, तुम अर्थ करोगे। तो मेरे पसीने छूट गए, मैंने कहा अर्थ बिना देखे कैसे पढ़ूं करूं। बोले नहीं नहीं कोशिश करो, तुम अर्थ करो चौपाई का। तो मैं चुपके चुपके चौपाई भी पढ़ते, तब मैं अर्थ देखने की कोशिश करता क्या लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो उन्होंने कहा था, अब दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों का नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा और अर्थ की मेरी ख्याति इतनी फैल गई गांव में कि गांव के लोगों ने कहा कि हमने सुना ये शिवराज अच्छा अर्थ करता है रामायण का। तो सावन के भादों के महीने में, अब तो जमाना बदल गया, उस समय मेरी 64 साल की उम्र है, जब मैं चौथी पांचवी पढ़ रहा था तब की बात कर रहा हूं मैं, तो गांव के लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया रात में। रामायण जी होती थी, बोले रामायण की चौपाई, दूसरे कहेंगे अर्थ शिवराज करेगा। तो मैं रामायण का अर्थ करने लगा। तो धीरे धीरे मैं रामायण का विद्वान बन गया, मैं बोलना सीख गया, भाषण देना सीख गया और कई तरह का ज्ञान मुझे मिला। आप सोचो अगर श्री रतन चंद जैन जी आज भी हैं, मुझे रामायण नहीं पढ़ाते इस ढंग से, कहते नहीं कि आ गया जोर से बोल अर्थ कर, तो मैं यहां पहुंचते नहीं, मैं कई चीजें समझते नहीं, मैं अच्छा वक्ता बनते ही नहीं। गुरु गढ़ देता है। मैंने तो अपने उदाहरण आपको दे दिया और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं देखो मैं मध्य प्रदेश को एक परिवार मानता हूं, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। हम सब एक परिवार है, एक परिवार है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन का आनंद तब है जब हम कई ऐसे बच्चे खड़े कर दें जो प्रदेश में, देश में, गांव में नाम रोशन करें, नाम ऊंचा करें। और वैसा करने के योग्य हम बने, क्योंकि व्यक्ति बोलता है तो नहीं सुनते, आचरण बोलता है। इज्जत तो किसकी करते हैं बताइए? इज्जत उसकी करेंगे जो कथनी और करनी में समान हो, जिसका आचरण बोले। इसलिए अगर आप वैसा आचरण करोगे तो लोग आज भी पूजा करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, पूजा करेंगे आज भी। अच्छों का सम्मान करने वाले लोग हैं और बच्चे तो जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। और इसलिए आप जीवन की दिशा तय करो। एक बात मैं कह रहा हूं कि आपकी चिंता मैं करूंगा, मेरी बात समझ गए होगे, आपकी चिंता मैं करूंगा लेकिन बच्चों की चिंता आप करो। हो मंजूर तो बोलो हां। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई अपनी, समाज को, शिक्षक की, शासन को, शिक्षक की चिंता करनी चाहिए। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना तो गुरुजी शिक्षा कर्मी, उनको तनख्वाह कितनी मिलती थी पता है? 500 रुपया महीना, 500 रुपया महीना। अब मैं एक गांव में गया, मैं तब सांसद था, तो मैंने बच्चों को बुला के पूछा, भैया बताओ गंगा जी कहां से निकली थी? एक बच्चा बोला विंध्याचल से। तो मैंने गुरुजी से कहा, क्या गजब करते हो भाई, हिमालय से निकली है, विंध्याचल बता रहा है। तो गुरुजी बोले भाई साहब 500 रुपया में तो विंध्याचल से ही निकलेगी, हम क्या करें। तो शिक्षक को पर्याप्त सुविधाएं ना देना भी पाप है। और इसलिए मैंने बढ़ाते बढ़ाते यहां तक लेके आया और अभी की व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन करने का विचार मैंने किया है। लेकिन आप बच्चों की चिंता करने योग अपने आप को बना ले। देखो जब तक शिक्षक नहीं थे, मौज करो, मस्ती करो, सामान्य जिंदगी जियो। अब बच्चे आपको थोड़ा अलग देखना चाहेंगे और तभी आप
तभी आप उनको गढ़ पाएंगे, और इसलिए उसके अनुकूल अपने जीवन को आप बनाओ। देखो अब कई वर्षों तक आपको शिक्षक रहना है, गुरु रहना है, अभी अपना प्रारंभ है, 30 साल 35 साल हमको रहना है, तो उसके अनुरूप हमारा आचरण हमारा व्यवहार बने। गीता के एक श्लोक है, वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। वो हर प्रोफेशन पे फिट होता है, अच्छा कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन। तो गीता जी में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उचिते। मुक्त संगो मतलब सब बच्चे हमारे लिए बराबर हैं, ऐसा नहीं कि अर्जुन है तो उसको तो अच्छे तीर चलाना सिखाएं और एकलव्य का अंगूठा कटवा दें। हमारे लिए सब बच्चे समान, कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ को बेटर परफॉर्म के लिए हमको प्रेरित करना पड़ेगा, तो वो कोशिश हमको सब बच्चों को बराबर मानते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। यह है मुक्त संघो, सब बच्चों को बराबर मानेंगे।